हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? और हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि सब हमेशा होता चला रहा है कि सुबह के 5 बजे उठ जाती हूँ और सबसे पहले गेट खोलती हूँ। गेट खोलने के बाद मैं अपने डॉगी को निकाल के उन्हें टहलाती हूँ। फिर इसके बाद मेरा जो होता है कि मैं ब्रश करती हूँ और किचन का गेट है वो खोलती हूँ और गर्म पानी करके मैं थायराइड की दवा खाती हूँ। तो ये सबसे पहले मेरा यही होता है और इसके बाद शुरुआत हो जाती है झाड़ू की। तो इस समय तो मैं इस सर्दी जुखाम जैसे ना हो रहा है, सर्दी तो नहीं हो रही पर जुखाम बहुत तेज मेरा हो रहा है ना, बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से मैं गर्म पानी करके ही दवा खाई हूँ और आ गई हूँ छत पे झाड़ू लगाने। तो मेरी शुरुआत ना छत से ही झाड़ू लगता है। छत जब छत साफ सुथरा होता है तो नीचे भी साफ सुथरा बना रहता है, क्योंकि छत पे जो कूड़ा करकट होता है वो नीचे आ जाता है। तो सुबह बस यही है कि मैं पूरा जो छत है कमरे से लगा के पूरा छत झाड़ू लगाती हूँ और साथ ही साथ मैं गमलों में पानी भी डाल देती हूँ ताकि बार बार मुझे छत पे ना आना पड़े। तो धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय, तो बस फिलहाल जो छत का है सारा काम निपटा देती हूँ और इसके बाद मैं नीचे झाड़ू लगाऊंगी। फिर इसके बाद जो हस्बैंड जी का लंच है वो तैयार करूंगी, बच्चों का नाश्ता है वो तैयार करूंगी। तो भिंडी और तुरई की सब्जी और किसी को पराठे किसी को रोटी यही बना के दिया है और चले गए हैं सभी लोग अपने अपने काम से। फिर इसके बाद मैं इनको फिर कहते ना कि उसके बाद ये चले गए थे तो हमने सोचा था बात को हम झाड़ू पोछा करेंगे, सबसे पहले इनको हम नहला देते हैं। जब इन्हें नहला दो तो आराम से ये बैठते हैं और एकांत बैठ जाते हैं, नहीं तो झाड़ू पोछा करने के बाद नहलाओ तो ये ना इधर उधर छींटा मारते हैं तो और भी गंदा हो जाता है। फर्स्ट तो इन्हें सबसे पहले नहला देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इन लोगों को, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इस वजह से इनको हम नहला देते हैं, बहुत आराम से नहा लेते हैं, ज़रा सी छुटकी मकारी करती है इसको भी नहला देते हैं। इसको तो सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है तो ये ना कहीं ये गीला ही ढूंढती रहती है, कहीं बाथरूम में घुस के बैठ जाती है, कहीं टंकी के नीचे, कहीं किस मतलब इस तरीके से बैठती। देखिए इसकी मस्ती चल रही है। तो ये हमारी नई हमारा मेहमान आया है तो आप सभी लोग मिल लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमारी जो पूजा जो होती है हमेशा के लिए हमेशा की तरह वो होती है। और इसके बाद इनको खाना था आलू के पराठे, तो ये बना रहे थे, ये दोपहर का टाइम है। इसके बाद ये शाम का टाइम है तो मैं बना रही थी दीपक जलाने के लिए, क्योंकि जो दीपक होता ना इधर उधर मैंने यूट्यूब पे देखा था। कभी कभी यूट्यूब पे मतलब देखती रहती हूँ, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो काम की होती ही हैं, सब चीज़ें बहुत सी वीडियो हैं जो काम की चीज़ें होती हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हमने जो क्या कहते हैं मैंने यूट्यूब पे देखा था, थोड़ा सा इसमें मोम यानी कि थोड़ा सा ज़रा सा चना के बराबर मैंने मोम डाल दिया था और इसमें कपूर डाल दिया है और घी डाल दिया है और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद ये जो मैंने मंगाया है ऑनलाइन मंगाया था, ये मैंने यूट्यूब पे ही देखा था ये बाती बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो हम भी ट्राई करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं कैसे, पर ना परफेक्ट बना था, बहुत अच्छा बना था तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके बाद ये जो एक बार हम डाल के दिखाते हैं ये देखिए, इसके बाद मैं बाती लगा देती हूँ, सब में सारे में बाती लगा देती हूँ। ये ना मैंने ऑनलाइन मंगा, बहुत अच्छा मिला और ये वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा क्योंकि सभी मैंने यूट्यूब पे काफ़ी लोगों को देखा है ये सब बनाते हुए, तो मैंने सोचा मैं भी बनाऊंगी। तो अब इसमें हमने सारे जो होते हैं ना खांचे जो कहते हैं हमारे इधर खांचे ही कहते हैं, ढांचे कहते हैं कुछ भी कहो, जो उसमें है मैंने डाल दिया है बत्ती। उसके बाद देखिए कितनी अच्छे से तैयार हो चुकी है, ये देखिए शाम की मेरी दिया बाती भी हो रही है और आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा भी बन गया था और मेरे बहुत दिनों के तक हो गया है तो ये है बहुत अच्छे से जलता है और ढेर सारे बन गए थे हमारा। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरीके से बना के। तो ये है शाम का टाइम है तो मेरी दिया बाती हो रही है तो नहीं है, देखिए कितना अच्छा से जल गया है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ये है इसमें इधर उधर जो बाती होते ना इधर उधर भागती नहीं है। और ये हो गई जो हमारे जो द्वार की है बाती, वो भी जल गई है, दिया हो गया है, दिया बाती हो गया है। और अब हम चलते हैं आपको नुमाइश, ये मेरे 7 बजे का टाइम है तो मैं नुमाइश आई थी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ, सोचा चलो शेयर कर देते हैं। और ये इसी समय इसी मतलब इसी साल मतलब इसी महीने में लगता है और
ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कम भीड़ थी, क्योंकि 8 बजे के बाद काफ़ी भीड़ बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे इन पुआए के जो इंटर कॉलेज है वहाँ पे लगता है, हर साल लगता है। बस चूड़ियाँ हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो मैं ज़्यादातर मैं मार्केट से ही लाती हूँ, क्योंकि जब भी कोई मतलब दिक्कत होती तो मार्केट में वापस भी हो जाता है। इन लोगों के पास वापस नहीं होता, सिर्फ घूमने आए थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ मुझे मार्केट में नहीं मिलती है तो मेले में मिल जाती है। वही चीज़ें छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैंने खरीदी थी, ज़्यादातर नहीं, खरीदारी मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि कप वगैरह है वो मैं मार्केट से, बहुत सारी चीज़ें थी तो मार्केट से ही लाती हूँ। और मुझे कोई चीज़ देखो अब फालतू की चीज़ तो मैं नहीं खरीदती हूँ, जो मुझे ज़रूरत की है चीज़ वही खरीदती हूँ। ये देखिए झूला, ये वाला डर झूला ना मुझे बहुत डर, मैंने कभी झूले पर नहीं बैठी, मुझे बहुत बचपन से डर लगता है कि सिर्फ जो बच्चों वाला जो होता है झूला उसी में, इसमें बैठी हूँ, इसमें मैं बहुत ज़्यादा बैठी हूँ। मुझे ये वाले झूले हमेशा बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था, और बड़े झूले में तो मैं नहीं बैठी हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। और देखिए कितने अच्छे सा घास है, हरा हरा, इंटर कॉलेज में लगा ना पूरा हरा हरा घास है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स बताइएगा, और बस सोचा चलो छोटा सा ब्लॉग है आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। तो कल है हरियाली तीज, तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी से निवेदन है कि जो भी नया आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल है उसको दबा दीजिए, ताकि आप जो हमारी आने वाली वीडियो है आप सभी के साथ नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, बाय बाय।